दिल्ली में शाहीन बाग, मुंबई में मुंबई बाग, लगातार प्रदर्शन सीए और एनआरसी के विरोध में। ये वे लोग हैं जो व्यावसायिक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार का 2014 से विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1947 से विरोध कर रहे हैं। This was one land, got divided about 72 years ago. CA और NRC को लेकर के देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में 15 दिसंबर से ही शाहीन बाग में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि मुंबई में भी एक मुंबई बाग बन गया है। वहां पर भी इसी तरीके से महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। ये वे लोग हैं जो व्यावसायिक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार का 2014 से विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1947 से विरोध कर रहे हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये वे नए लोग नहीं है, नए संदर्भ में इनके नारे नए हैं, इनके नए रूप हैं, लेकिन का मूल विचार वही है जो संघ विरोधी मोदी विरोधी है। ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। बाहर की मांगे अंबेडकर ने लिखने की, जिंदा रहने की, साथी चुनने की, तो प्यार करने की, तो ना करने की, शादी करने की, तो ना करने की, तुम कुछ भी कर लो हम लेके रहेंगे, है हक हमारी आजाद देश में। सर, ये इसमें मुझे बहुत सारी महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि सरकार सीए एनआरसी के जरिए मुसलमानों के साथ पक्षपात कर रही है और इसी वजह से वो सड़कों पर आई हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनको देश से बाहर निकाल लिया जाएगा, फिर चाहे वो दिल्ली का शाहीन बाग हो या मुंबई का मुंबई बाग। देखिए, जो लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको कोई विश्वास दिला नहीं सकता है। ये लोग भारत के संविधान पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की कल्पना सीएबी के साथ जुड़ी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होगा, बाद में एनआरसी आएगा। मेरा सवाल ये है कि कैब बना का आखिर देश को मिला क्या? वाह, क्या शेर सुनाया। सीएए का विरोध करने के पीछे कोई तर्क ही नहीं है, यह भेदभाव समाप्त करने वाला कानून है, भेदभाव करने वाला कानून नहीं है। सीएबी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान। Who are you? Fortunately, we chose to be a secular nation. मोटे तौर पे क्या कह रहे हैं ये बिल? मोटे तौर पे कह रहा है कि विदेश से आने वाले लोगों में कुछ हैं जो हमारे अपने हैं, जिनके लिए दरवाजा खुला है, कुछ हैं जिनको हम कह रहे हैं भैया बाहर जाओ, तुम्हारा क्या मतलब यहाँ आने का, और वो बाहर जाने वाले कौन? मुसलमान। तो क्या कहना चाहते, पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन जितने भी शरणार्थी आए हो, वो किसी भी स्थिति में है, इसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब ये जो सीए का जो पूरा देश में अफरातफरी मची है और आपने याचिका भी लगाई है उसी के खिलाफ, ये किस तरह से, मतलब ये जानते हैं कि एक नफरत जैसा माहौल पैदा हो रहा है पूरे देश में? देखिए, नफरत जैसा माहौल फैलाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है, जो हिंदू मुस्लिम भाई बहन का भाईचारा गंगा जामुनी तहजीब है, वो इसको मुकम्मल नहीं होने देगी। क्योंकि आपको पता है ये बात कि हिंदुस्तान की 30 यूनिवर्सिटीज, इवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी इस चीज़ को अपोज कर रहा है और कई हमारे जो बड़े बड़े मठ के
मठाधीश हैं, हमारे पंडित लोग हैं जो सीनियर लोग हैं अपने घर में, वो भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो नया कानून आया है ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। दे सेंट आउट अ मैसेज सेइंग दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड ऑल ऑफ यू विल लूज योर सिटीजनशिप एंड दे विल थ्रो यू आउट। और दूसरी चीज़ कि मोदी जी इसको सिर्फ मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसा जो एक संकेत देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने ही हमेशा मुसलमानों के हित की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी है और आगे भी वो लोग लड़ते रहेंगे। और मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं को ही अपना लीडर माना है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर आज मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें हमारा भी सहयोग है, वो हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। ये कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा, आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह हर इलेक्शन में के पहले हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले एनआरसी आने वाला है। ये अब आपने जो पिटीशन लगाई है, आपको क्या उम्मीद है अब न्याय की, किस तरह से जो सरकार अमित शाह जैसे चुनौती दे रहे हैं कि सीए लागू होकर रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून है वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट से चलता है। गृह मंत्री जी का ये स्टेटमेंट जो है ये शायद उनकी संवैधानिक समझ के थोड़ा सा उनसे दूर है, क्योंकि ये उनके कहने से नहीं होगा, वो गृह मंत्री हैं, उनको हम भारतवासियों ने गृह मंत्री बनाया है और जब भारत की जनता चाहेगी तो उन्हें गृह मंत्री के पद से हटा भी सकती है। और हमारी हिंदुस्तानियत और हमारा जो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा। ऐसे कई अमित शाह आगे चले जाएंगे लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में ही रहेंगे। 1,90,00,000 पहले निकले घुसपैठिए, फिर वो 42,00,000 हुआ, अंतिम आंकड़ा आया 19,00,000 का। उन 19,00,000 में से 13,00,000 यानी कि 68% निकले हिंदू। अब उन हिंदुओं के लिए प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद यह है कि ये जो काला कानून है इसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा और एक बार फिर जो अमन और भाईचारे का पैगाम है जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा देता रहा है वो फिर से एक बार वहां से एक मैसेज जाएगा। और वो मैसेज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू एक छत के नीचे हमेशा भाई बहन के जैसे रहे और आगे भी रहेंगे। भारत सरकार जो एनआरसी लाने की बात करती है, इसके पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तब असम के हिंदुओं को भी, क्रिश्चियनों को भी, जैन बौद्ध सिख को भी नागरिकता देने का काम करेंगे। जो बीजेपी वोट बैंक पॉलिटिक्स इस वक्त कर रही है इससे तो घिनौनी पॉलिटिक्स हो क्या सकती है? असम में क्या खेल है कि भाई हमारा हिंदू बंगाली वोटर रह जाए, कहीं कल को वो पलट गया तो हमें क्या होगा? बंगाल में क्या पॉलिटिक्स है कि 2021 का चुनाव येन किन प्रकार जीतना है और जीतने का एक ही तरीका है कि सारे बंगाल में हिंदू मुसलमान हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। और 2024 तक इस देश के अंदर आप अगर कुछ ऐसा कर दो कि 10-20,00,000 1-2 करोड़ मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो अपना तो काम बन जाएगा। सीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है और इन्होंने हाल ही में एक आरटीआई भी लगाई है जिसमें ये जवाब मांगे हैं कि आडवाणी, मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारत के नागरिक हैं। मैं अगर होता नरेंद्र मोदी की जगह तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये इतना बेशरम प्रधानमंत्री, घटिया स्तर का प्रधानमंत्री देश में हमारे देश की बहन बेटियों को कॉल गर्ल कहता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? वाह मोदी जी वाह वाह वाह, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आई होप दे आर नॉट डूइंग एनी पीएचडी ऑन व्हाट्सएप।